हेलो दोस्तों, सब्सक्राइब कीजिए खुशबू रसोई की चैनल को और बेल आइकन को दबाए डिलीशियस एंड टेस्टी रेसिपीज सबसे पहले देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल खुशबू रसोई की। दोस्तों, बहुत सारे फेस्टिवल अभी आने वाले हैं और फेस्टिवल के साथ साथ हमारे फास्ट भी होते हैं, तो फास्ट के लिए आज हम बनाएंगे एक स्पेशल रेसिपी जो कि है साबूदाना की खिचड़ी। ये बहुत ही टेस्टी है और सबकी बहुत फेवरेट है, मेरी तो बहुत ही फेवरेट है। मुझे साबूदाने की खिचड़ी बहुत पसंद है। मैं जो स्टाइल में साबूदाने की खिचड़ी बनाऊंगी ये बहुत ही इजीली बन जाएगी और एकदम नॉन स्टिकी होगी। इसमें जो साबूदाना है वो चिपकेगा नहीं, एकदम खिला खिला रहेगा। तो आइए शुरू करते हैं नवरात्रि स्पेशल डिश बनाने के लिए। साबूदाना खिचड़ी बनाने के लिए मैंने यहाँ पे लिया है ये हरा धनिया, बॉइल्ड आलू, पीनट्स पाउडर, जीरा, ब्लैक पेपर, हरी मिर्च, करी लीव्स और नमक। यहाँ पे मैंने ये साबूदाना लिया है, ये बारीक साबूदाना मैंने यहाँ पे यूज किया है। इसे मैंने 2-3 घंटे के लिए पानी में सोख लिया था। सोख लेने के बाद में ये बिल्कुल इस तरीके से हो गया है, आप देख सकते हैं इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं है। इसका जो पानी है वो एकदम से सूख गया है। बट पानी सोखने के लिए हमें इसे करीबन 2-3 घंटे तक पानी में भिगो के रखना है। ज्यादा पानी नहीं डालना है, जितना आपने साबूदाना लिया है बस उतना ही कवर हो, इतना ही आपको पानी का इस्तेमाल करना है। यहाँ पे मैंने कढ़ाई में तेल गर्म होने के लिए रख दिया है। तेल में मैं डाल दूंगी ये जीरा। जीरा को हल्का सा हम भून लेंगे। जीरा भून लेने के बाद में मैं यहाँ पे डाल दूंगी ये बॉइल्ड आलू। बॉइल्ड आलू को मैंने थोड़े लंबे लंबे पीसेस में कट कर लिया है। इसे हम तेल में हल्का सा फ्राई कर लेंगे, थोड़ा सा क्रिस्पी लुक आ जाएगा इसका और टेस्ट में भी काफी क्रिस्पी लगेगा खाने में। आप देख सकते हैं ये हल्के हल्के से ब्राउन हो चुके हैं। अब मैं इसमें डाल दूंगी हरी मिर्च, कड़ी पत्ता और ब्लैक पेपर और एक सेंग। ये जो सेंग है इसे मैंने तेल में पहले से भून लिया था हल्का सा, इसे मैंने कच्चा नहीं डाला है और इसका मैंने छिलका नहीं निकाला है, छिलके के साथ ही डाला है ताकि इसका जो स्वाद है बहुत ही टेस्टी आएगा इसमें। ये देखिए सभी चीजें इसमें अच्छे से भून चुकी हैं। अब मैं यहाँ पे डाल दूंगी ये साबूदाना बिल्कुल इस तरीके से। अब साबूदाना जो है इसे हम अच्छी से मिक्स कर लेंगे इसमें। इसमें हमें पानी का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना है, हम ये उपवास के लिए बना रहे हैं तो ये फटाफट रेडी हो जाएगी। अच्छे से मिक्स कर लेने के बाद में अब मैं इसमें डालूंगी ये पीनट पाउडर। इसे मैंने घर पे ही मिक्सर में ग्राइंड कर लिया था। इसे डालने से साबूदाने की खिचड़ी में बहुत ही अच्छा स्वाद आ जाता है। अब मैं यहाँ पे डालूंगी ये नमक। ये मैंने साधारण नमक यूज नहीं किया है, मैंने यहाँ पे ये उपास का जो नमक है उसे डाला है। ये इजिली आपको मार्केट में कहीं पे भी मिल जाएगा। यहाँ पे मैंने डाल दिया है बारीक कटा हुआ हरा धनिया। ये देखिए धनिया डाल देने से इसका जो लुक है वो बहुत ही अच्छा लग रहा है। इसे हम 1 या 2 मिनट तक धीमी आंच पे पका लेंगे। ये देखिए ये जो हमारी साबूदाने की खिचड़ी है ये बनकर बिल्कुल तैयार हो चुकी है। आप देख सकते हैं ये बिल्कुल भी स्टिकी नहीं बनी है, ये एकदम नॉन स्टिकी है। इसके साबूदाने एकदम अलग अलग हैं और ये खाने में भी बहुत ही यम्मी और डिलीशियस लगती है और झटपट बन जाती है। तो जो भी नवरात्रि के दिन उपवास रखने वाले हैं और जो उपवास नहीं रखने वाले हैं वो भी इस खिचड़ी को खा सकते हैं। आप इस तरीके से खिचड़ी को बनाइए और नवरात्रि में जरूर खाइएगा इसे। ये हमारी साबूदाने की खिचड़ी बनकर बिल्कुल तैयार हो चुकी है। जल्दी से आप मेरे इस वीडियो को नोट कर लीजिए कैसे बनी है। आपके व्यूज और आपके कमेंट्स हमारे साथ जरूर शेयर कीजिएगा। तब तक के लिए हमारी तरफ से आप सभी को नवरात्रि की बहुत बहुत बधाई हो।
खुश रहिएगा और अपनी सेहत का ध्यान रखिए और मेरे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय, लव यू ऑल।